एस्ट्रोटर्फ मैदान को लेकर चल रही अटकलों के बीच नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा 8 दिसंबर से ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट कराने का ऐलान किया गया है। जिन्होंने ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट के साथ साथ मध्य प्रदेश महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन भी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होने की बात कहते हुए मध्य प्रदेश महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन संभवतः वारासुनी के देवधर क्रिकेट मैदान में कराने की बात कही, जिसकी तमाम जानकारी बुधवार को नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में क्लब के महासचिव विजय वर्मा के द्वारा दी गई। दोनों की डेट फाइनल हो गई है और अब मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जो है हमारा हॉकी मध्य प्रदेश, वो लगातार हमसे डेट कंफर्म करने के लिए कह रहा है कि अगर आप जल्दी से डेट कंफर्म करें तो हम टीमों को इंटीमेट कर देंगे। तो टीमों को इंटीमेट करना उनकी जवाबदारी है, महिलाओं की, और डेट देना हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हमको जो डेट मिली है अगर हम उसको कंफर्म करेंगे तभी वो हमको टीम का बता देंगे कि भैया हमने टीमों को इंटीमेट। कल ही रात में मेरे पास फोन आया कि जल्दी से आप इंटीमेट करो, मैं आज पत्रकार वार्ता के बाद आपको फाइनल डेट हम देंगे। किस तरह की तैयारी चल रही टूर्नामेंट को लेकर? अभी ग्राउंड छिलाई चल रही है, नगर पालिका डोजर से सब हटा रही है, जैसी भी लगी होगी, जैसी सफाई हो जाएगी तो मैदान में बहुत ज्यादा काम नहीं है। एक बार पूरा लेवलिंग हो जाए और उसमें रोलर हो जाए तो हमारा ग्राउंड। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने एस्ट्रोटर्फ मैदान का अब तक निर्माण न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए इसके लिए पुलिस हाउसिंग बोर्ड और संबंधित ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें उन्होंने ठेकेदार के द्वारा समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने की बात कही। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हॉकी का महाकुंभ इस वर्ष एस्ट्रोटर्फ मैदान के बिना ही इसी मैदान में खेला जाएगा, जहां मैदान को समतल कर उसी मैदान में बिना एस्ट्रोटर्फ की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जो उनको डिजाइन दे दिया गया था पहले, जो अभी निर्माण आप लोग देख के आ रहे हैं, वो डिजाइन उसको पहले मिल चुकी है। कल मैंने पता लगाया भोपाल स्तर पे, तो उन्होंने बोला जो पहले डिजाइन दिए हमने बिल्डिंग का, तो पहले हम बिल्डिंग का पूरा करेंगे। जैसे वो बिल्डिंग का काम पूरा होने पे आएगा तो हम सेकेंड डिजाइन देंगे, जिसमें नाली और रोड और गेट का है। तो वो अभी 4-5 रोज बाद मिली है उनको, तो वो तो अभी होने ही नहीं है। पहले आप बिल्डिंग बनाओगे उसके बाद वो होगा। अभी उनका ये कहना है, कल उन्होंने मेरे को ये बताया कि 26,000 रुपये पर डे लग रहा है। अब आप ये बताइए कि 26,000 रुपये पर डे उनको पेनल्टी लग रही है, इसका मतलब आपका काम धीमा है। और उनके जो पुलिस हाउसिंग के अनुसार आपने काम नहीं किया, इसलिए आपको 26,000 रुपये लग रहे हैं। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर उनके और ठेकेदार के बीच हुई विवाद को लेकर की गई चर्चा में उन्होंने बताया कि मैदान में प्रतियोगिता का आयोजन कराने को लेकर निरीक्षण किया गया था। इसमें बीच में मैदान में रेत हटाने के लिए ठेकेदार से कहा गया था, जहां इसी बात पर ठेकेदार आक्रोशित हो गए, जिसके चलते विवाद की स्थिति बनी। ठेकेदार से हमने बोला कि रेत हटा दो, रेत हटाने के लिए वो एकदम उद्वेलित हो गए, नहीं हटेगी रेत से उठा के कैसे एकदम आक्रोशित हो गया। तो थोड़ी सी कल उनसे आठ भी हुई। हमारा कहना ये है कि किसी भी कारण से, चाहे ठेकेदार हो चाहे बालाहाट का कोई व्यक्ति, इतना बड़ा टूर्नामेंट है 42 साल से चल रहा है, उसको हर किसी को सहयोग करना चाहिए। अब जब सहयोग मांग रहे हैं तो असहयोग की बात हो रही है, तो इसमें आदमी सभी क्योंकि हमारे जितने खिलाड़ी है सवेरे से लगे रहते हैं, तो खिलाड़ी भी काफ़ी आक्रोशित हैं। तो इसके मद्देनजर हम लोगों ने ये कहा है कि भैया हमारे जल्दी से जल्दी, हमारा तो प्रशासन से भी यही निवेदन है कि इसके ऊपर तेजी से नजर रखें और जल्दी से जल्दी हमारा टर्फ बना दे। अभी तो हमारे टर्फ में 3 साल होना नहीं है, चट में हम एक टूर्नामेंट करा लेंगे। उधर ठेकेदार सत्यनारायण अग्रवाल ने कार्य के लेट लतीफी के लिए पुलिस हाउसिंग बोर्ड के आर्किटेक्ट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लगातार डिजाइन में परिवर्तन किया जा रहा है, वहीं अब तक उन्हें संपूर्ण कार्य की डिजाइन प्राप्त नहीं हुई। वहीं उन्होंने एक दिन पूर्व क्लब के सदस्यों और उनके बीच हुए विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वयं को इसके लिए बेकसूर बताया। उनका वो कि नहीं, इस साइड नहीं बनाना है अपने को, उधर बनाना है, तो उन्होंने फिर चेंज कर दिया। तो जुलाई में इधर जो लेआउट डाला था, एक तो बरसात में यहाँ काम नहीं होता, आप लोगों को मालूम है स्थिति यहाँ की, यहाँ पानी निकलता अपने आप नीचे से, कारण झील में क्या है उसके कारण कि बरसात में कुछ काम नहीं कर सकते। फिर भी मैंने काम चालू किया, जेसीबी लगा के ट्रैक्टर लगा के सब काम चालू किया, पर जैसे ही एमडी साहब आए उन्होंने बोल दिया कि इधर नहीं बनाना है, उधर बनाया जाए। तो 6 महीना वैसे लेट हो गया,
तोड़ने के कारण। उसके बाद जुलाई के बाद अगर उन्होंने काम रोका तो उसके बाद जो दूसरा लेआउट आया वो दिसंबर 2021 को आया, यानी एक साल बाद। टेंडर जो हुआ था जनवरी में हुआ था, एक साल बाद उसका डिजाइन आया, वो डिजाइन आया उसके बाद फिर हमने काम चालू किया। इधर जो मटेरियल पड़ा था हमको उधर शिफ्ट किया हमने, वो हमारा अलग खर्चा हुआ, नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। रेत वेत एक बार जब बारिश में आ जाती है तो करीबन मेरे ख्याल से नहीं भी तो 5 लाख रुपए का मेरा उसमें नुकसान हुआ। उसके बाद उधर हमने टेंडर चालू किया, जैसे काम चालू किया तो नीचे से पानी बहुत भारी मात्रा में निकलने लगा, तो उसके कारण फिर डिजाइन चेंज की गई आर्किटेक्चर द्वारा। और जो इनका पुलिस हाउसिंग का जो आर्किटेक्चर है, मैं बोलना चाहता हूँ कि वह जो डिजाइन हमको एक बार में पूरी दे देना चाहिए, पूरा प्लान हमको देना चाहिए। जैसे हमारा हमको लेआउट होने यानी टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर दिया जाता है, उसके साथ पूरा प्लान दे दिया जाता है कि आपको क्या करना है। मुझे आज तारीख तक पूरा प्लान नहीं मिला है, आज तारीख तक मैं कैसे काम करूं। अच्छा भैया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे यहाँ पे, कल विवाद की स्थिति बनी थी, तो उनका वही कह रहा था मैं मटेरियल उठा के फेंक दूंगा। अरे मतलब मटेरियल कैसे फेंकोगे, ग्राउंड मेरे अंडर में है, अब जो बात करना है विभाग से बात करो, मेरे से बात मत करो। आपको तो मुझे रमेश अडवाणी जी ने बुलाया, आप लोगों ने बुलाया, मैं खुद खेल प्रेमी हूँ इसलिए मैं आ गया, और आप फेंकने की बात कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके ऊपर तो मैंने उनको बोला, हमारी उनसे बातचीत हुई, इसमें कोई शक नहीं, तो बातचीत तो होगी ना। मेरा मगर नुकसान होगा तो मैं नुकसान कैसे सहन करूंगा। उनका उनका अपना है कि भाई खिलाड़ी नाराज हो रहे हैं, वो उनका एक अलग है, पर मैं उसके लिए मैं क्या दोषी हूँ। मेरे पास तो मुझे जो लेआउट दिया जा रहा है, जैसे डिजाइन दी जा रही है, बस अभी आपने दिखाया मैंने आपको, पूरा स्लैब रुका हुआ पड़ा था दिवाली से, दिवाली का पहले से स्लैब का प्लाई ठुकी हुई पड़ी है, क्यों रुका हुआ काम, लोहा नहीं बांध पा रहे थे क्योंकि डिजाइन नहीं आई। अब लोहा बंधा है, अब काम स्पीड में आया है, तो अब इनका खेल का बोल रहे कि 1.5 महीने के लिए हमको खेल के लिए होना, तो मुझे इधर जो दूसरे काम करना है वो कैसे काम होगा। इसलिए मैंने उनसे बोला कि फिर लेट होगा, फिर आप सब चिल्लाओगे। तो जो उन्होंने मांगा है, बोला हाँ प्रेम से बोलो, मैं करने को तैयार हूँ, मेरे मटेरियल जो है उसको उधर शिफ्ट कर दो, इधर से काम ना करते हुए उधर से करूँगा, परेशानी मेरे को होगी, परेशानी झेल लूँगा, बच्चों का खेल होना चाहिए, मेरा भी।